के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की। उत्तर भारत में छाया घना कोहरा, दिल्ली समेत कई राज्यों में बरसेंगे बादल। फरवरी के पहले दिन की शुरुआत घने कोहरे से यहां पर हुई, वही आज भी यहां पर दिल्ली एनसीआर और बिहार और यूपी में यहां पर धुंध की चादर देखी गई है। आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश की आशंका बनी हुई है, जिसके कारण लोगों को यहां पर कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ेगा। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि आज से लेकर अगले 3 दिनों तक दिल्ली, यूपी और बिहार, एमपी और हरियाणा और पंजाब में बारिश की आशंका है, जिससे लोगों को यहां पर हाड़ कंपा देने वाली सर्दी का सामना करना पड़ेगा। वही आज सुबह लोगों को यहां पर घने कोहरे की वजह से आने जाने में यहां पर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वही दिल्ली, चंडीगढ़ और बरेली, बहराइच और वाराणसी और पटना में 50 मीटर तक की विजिबिलिटी दर्ज की गई है। वही मौसम विभाग ने यहां पर आज दिल्ली में यहां पर 9 डिग्री न्यूनतम और अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की यहां पर अनुमान जताया, यानी आज यहां पर तापमान रहेगा। वही मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते फरवरी में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जहां राजधानी का यह हाल है। वही पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों के ऊपरी इलाकों में यहां पर हल्की बर्फबारी और बारिश की आशंका नजर आ रही है, जिससे यहां पर जो गलन है वो यहां पर बढ़ेगी। वही स्काईमेट वेदर के अनुसार 3 फरवरी आज और कल, यानी आज और कल को यहाँ पर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में घना कोहरा देखने को मिलेगा। इन जगहों पर कहीं कहीं हल्की बारिश होने के भी आसार यहाँ पर जताए गए हैं मौसम विभाग की ओर से। वही हिमाचल में भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट, पश्चिम विक्षोभ के कारण मौसम में आएगी सक्रियता। मौसम विज्ञान विभाग शिमला के अनुसार प्रदेश में 2 से 5 फरवरी तक बारिश का पूर्वानुमान है। हालांकि 5 फरवरी को मैदानी भागों में मौसम साफ रहने के आसार है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से आज से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। वही पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता के कारण हिमाचल प्रदेश में 2 फरवरी से मौसम में बदलाव आने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। वही पश्चिमी विक्षोभ के कारण शिमला समेत कई इलाकों में यहाँ पर बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। वही 5 फरवरी को मैदानी भागों में मौसम साफ होने के आसार है। वही आज ने मंगलवार को राजधानी सहित पूरे प्रदेश में यहाँ पर बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि 5 तारीख तक मौसम यहाँ पर खराब रह सकता है। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर 5 तारीख तक मौसम यहाँ पर खराब रहने के आसार है। इसके बाद फिर यहाँ पर मौसम में एक बार फिर यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में 2 दिन की राहत और 3 फरवरी से बारिश के यहाँ पर आसार जताए गए हैं। वही गया, नालंदा और नवादा जिले में सबसे ज्यादा लोगों को यहाँ पर अलर्ट रहने की बात कही गई है। वही मौसम विभाग ने यहाँ पर बिहार में अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। बिहार में मौसम रोज पलटी मार मार कर लोगों को परेशान किया जा रहा है। वही ठंड ऐसी है कि जाने का नाम नहीं ले रही है। वही मंगलवार की सुबह भी यहाँ पर पटना से लेकर गया और जहानाबाद तक कई जिलों में कोहरे की चादर यहाँ पर छाई रही। वही सुबह 9 बजे तक यहाँ पर कोहरा यहाँ पर छाया रहा। वही सोमवार की सुबह की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही यहाँ पर हुई, लेकिन सूरज की गर्मी ने ठंड को काफी थोड़ी हद तक यहाँ पर दूर पकाया। वही ससारा में तो दोपहर 12 बजे से अचानक यहाँ पर लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा। हालांकि रात होते होते मौसम में फिर यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है। वही मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि यहाँ पर पटना मौसम विभाग केंद्र ने अपने पूर्वानुमान पहले बता दिया था कि बिहार के उत्तरी पश्चिम में, उत्तरी मध्य और उत्तरी पूर्वी जिलों में कोहरा छाया रहेगा, लेकिन आज बिहार के राजधानी पटना और उससे आसपास के जिलों में कोहरा यहाँ पर सटा है, यानी फैसल गया है। वही मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक आने वाले दिनों में कोहरे की अधिकता यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वही कल से 3 फरवरी से बिहार के अंदर बारिश के आसार है। जिन जिलों में बारिश के आसार है वह है पटना, मुजफ्फरपुर और मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज और मधेपुरा, सहरसा और औरंगाबाद और रोहतास, गया, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय और जहानाबाद और भागलपुर, बांका, जमुई और खगड़िया में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इस दौरान 3 जिलों के लिए जिले हैं यहाँ पर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया। वही पटना मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक 4 फरवरी को गया, नवादा और नालंदा में भारी बारिश के आसार है। माना जा रहा है कि इन जिलों में यहाँ पर पारा जमे जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी और इस मतलब 3 जिलों में विशेष अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। राजस्थान में बदलेगा मौसम, 3 फरवरी को बारिश के हैं आसार। राजस्थान से शीतलहर का असर कम हो गया है। अधिकतर जिलों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दोपहर के समय गर्मी रंग दिखाने लगी, ऐसे में प्रदेशवासियों को सर्दी से राहत मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन राजस्थान में 3 फरवरी कल से यहाँ पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ असर दिखाएगा, इसके चलते
यहाँ पर 3-4 दिन तक यहाँ पर प्रदेश के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। कहा जा रहा है कि मौसम एक बार फिर यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। वह मौसम विभाग की माने तो दक्षिणी हवा के चलते कई जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग के अंदर जयपुर के निदेशक आर एस शर्मा के अनुसार 3 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। इसके चलते 3 फरवरी को अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में आसपास के इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने के साथ साथ हल्की बारिश होगी। इससे पूर्व यहाँ पर मंगलवार को भी यहाँ पर कई इलाकों में घना कोहरा यहाँ पर छाया रहा था। वही राजस्थान में तापमान में लगातार यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर थोड़ी बढ़ोतरी यहाँ पर शुरू हो जाएगी चुकी है। मौसम विभाग ने कहा कि राजस्थान में यहाँ पर आने वाले दिनों में 2-3 दिन तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। बात करते हैं झारखंड राज्य के मौसम अपडेट की, तो झारखंड में 3 से 5 फरवरी तक कई इलाकों में बारिश की है संभावना। झारखंड मौसम विभाग की ओर से यहाँ पर कहा गया है कि 3 से 5 फरवरी तक रांची सहित झारखंड के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार है। 3 से 4 फरवरी तक पूरे झारखंड में बारिश देखने को मिलेगी। वही मौसम विभाग के अनुसार 5 फरवरी को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। 6 फरवरी से आसमान साफ हो जाएगा, वही धूप खिलेगी, इसके बाद ठंड थोड़ी यहाँ पर पड़ेगी। वही पिछले लगभग 1 हफ्ते से राज्य में मौसम पूरी तरह से साफ है। वही तेज धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली हुई, हालांकि सुबह और शाम हवा चल रही है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अंदर रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर देश के नॉर्थ ईस्ट इलाके है वहां पर पड़ेगा। वही पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन टकराने के आसार है, जिसके कारण यहाँ पर झारखंड में इसका असर दिखाई देगा। वही पिछले 24 घंटों में रांची में अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 7.8 डिग्री दर्ज किया गया है। 4 फरवरी तक अधिकतम तापमान 20 से 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 से 14 डिग्री रहने के आसार यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो मध्य प्रदेश में बदला है मौसम का मिजाज। 1.5 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ा है रात का पारा। भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज एक बार फिर यहाँ पर बदल रहा है। वहीं रात के तापमान में हल्की वृद्धि होने के साथ साथ ठंड से राहत मिलना शुरू हो गई है। इसके चलते यहाँ पर भोपाल में यहाँ पर मंगलवार के दरमियान रात न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम रहा है। वहीं अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा है। इधर मध्य प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान मंडला, बैतूल और रायसेन और नौगांव और रीवा में 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया है। वही हिल स्टेशन पंचमढ़ी में यहाँ पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस मंडला में यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। इधर पाकिस्तान से लगे उत्तर भारत में बने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। वही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 फरवरी यानी यहाँ पर आज एक पश्चिम विक्षोभ का जो असर है वो उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। वही मध्य प्रदेश में इसके कारण यहाँ पर ग्वालियर, चंबक और रीवा संभाग जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। इन क्षेत्रों में कहीं कहीं बौछारें भी पड़ सकती है। मौसम विभाग की ओर से अपडेट यहाँ पर दिया गया है, यानी बौछारें वगैरह पड़ सकती है। वही मौसम विभाग के अंदर के मौसम विज्ञानी पी के साह ने बताया है कि पाकिस्तान के आसपास बने वेदर सिस्टम से हवा का रुख यहाँ पर बदला है। इसे फिलहाल कड़ाके की ठंड से राहत मिल गई है। 2 फरवरी को तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने की संभावना है। इसके प्रभाव से दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवात बनेगा। इसकी वजह से हवा के साथ वातावरण में नमी आना और इसके अलावा यहाँ पर चंबल और रीवा संभाग जिलों में बादल छाए रहने के साथ साथ बौछारें पड़ सकती है। मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया, यानी बारिश के साथ कुछ इलाकों में बौछारें यहाँ पर पड़ सकती है। वही बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम अपडेट की, तो फिर बदली है हवा की दिशा, रात के तापमान में आए हैं उछाल। छत्तीसगढ़ में मौसम कल यहाँ पर शुष्क रहा, वही पिछले 2 दिनों से हवा की दिशा बदल गई है, इसलिए रात के तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। अब ठंड में यहाँ पर हल्की कमी यहाँ पर आई है। प्रदेश में सबसे कम यहाँ पर तापमान बलरामपुर में यहाँ पर 5.7 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी रायपुर में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री रहा, जो कि 1 दिन पहले 1 डिग्री अधिक था। वह मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में उत्तर पश्चिम से हवा का आगमन जारी है, इसके कारण प्रदेश में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि लगातार हो रही है। वही आगामी 3 फरवरी को प्रदेश के कुछ जिलों में यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। बारिश का क्षेत्र मुख्यतः उत्तर छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है। वही मौसम विज्ञानी एच पी चंद्रा ने बताया कि आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वह अधिकतम और न्यूनतम तापमान में शतक वृद्धि होने की संभावना है। वही प्रदेश के अंदर कल भी यहाँ पर न्यूनतम अधिकतम तापमान में विशेष यहाँ पर वृद्धि होने की संभावना नहीं है। वही मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में यहाँ पर फरवरी में यहाँ पर सरगुजा संभाग जिलों में सामान्य से अधिक और
यहाँ पर न्यूनतम तापमान में सामान्य से कम और अधिकतम तापमान में भी सामान्य से कम रहने की संभावना है। मध्य छत्तीसगढ़ में वर्षा सामान्य से कम और न्यूनतम अधिकतम तापमान सामान्य या इससे अधिक रहने की संभावना है। प्रदेश में दक्षिणी भागों में वर्षा सामान्य से बहुत कम और न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान सामान्य रहने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जताई गई। यानी ये जो तापमान है वो यहाँ पर सामान्य रहेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर यह अलर्ट यहाँ पर जारी किया, यानी जो तापमान है उसमें कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। यानी तापमान में ज़्यादातर बढ़ोतरी होती है, लेकिन इस बार यहाँ पर विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। वहीं हरियाणा में भी लगातार मौसम का मिजाज यहाँ पर बदल रहा है। वहीं हरियाणा के कई इलाकों में अभी यहाँ पर मौसम बदलने की संभावना जताई गई है। 3 फरवरी से बारिश के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। वहीं प्रदेश में यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता यहाँ पर सोमवार से दिखने को लगी। सुबह के समय तेज धूप निकली तो छाए होते थे, यहाँ पर ठंडी हवा चलने लगी जिससे बारिश जैसा मौसम बन गया। हालांकि अभी बारिश की संभावना कम ही है। फरवरी के पहले सप्ताह में बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने फरवरी के पहले सप्ताह में यहाँ पर बूंदाबांदी की संभावना जताई थी, इससे पहले यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। ये मौसम फसल के लिए काफी यहाँ पर अच्छा बताया जा रहा है।